हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। किसी बिल्डिंग का डोम, डोम होता है जो बिल्कुल गोल ऐसे होता है ना, गुंबज बोलते हैं इसको, ये हेमिस्फेयर की शेप का है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश्ड, इसके अंदर अंदर से सफ़ेदी की गई है। एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96, और सफ़ेदी करने में जो रुपीज़ लगे हैं वो इतना लगा है, 498 रुपीज़। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर, अगर सफ़ेदी करने का खर्च ₹2 है एक स्क्वायर मीटर पे करने का, तो फाइंड द, दो चीज़ें निकालनी है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, डोम का अंदर अंदर का जो सरफेस एरिया है वो निकालना है। नंबर टू, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, और इस डोम के अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले ना हमें इसके अंदर निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकलेगा हमारा, जो हमें पैसे दे रखे हैं ना रुपीज़, जो सफ़ेदी की गई है वो अंदर अंदर की गई है, सफ़ेदी में टोटल रुपीज़ लगे हैं 498, और ₹2 के हिसाब से सफ़ेदी की गई है। तो जब इस कॉस्ट को हम रेट से डिवाइड कर देंगे ना, तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ पर वाइट वॉश की गई है, और वही होगा हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो सिंपली कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे रेट से। कॉस्ट है ₹498.96, और जो रेट है वो है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। अब रुपीज से रुपीज कट गया, यहां पे 498.96 को 2 से डिवाइड करना है। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 249.48, और हमारा ये एरिया है तो ये मीटर का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, हमने निकाल दिया जो अंदर अंदर का सरफेस एरिया है वो इतना है। अभी सेकंड में निकालना है हमको वॉल्यूम ऑफ द एयर। अब वॉल्यूम के लिए हमें डोम का रेडियस पता होना चाहिए, लेकिन रेडियस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। रेडियस हमारा यहीं से निकल जाएगा, ये जो इनर सरफेस एरिया निकला है ना, इसी से हम पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम भी निकाल देंगे। तो ये जो इनर सरफेस एरिया है, ये डोम का कर्व सरफेस एरिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम 249 है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू, ये मैं यहां पे लेता हूं बराबर, ये इसी के बराबर है। अब कर्व सरफेस एरिया है डोम का, और डोम है हेमिस्फेयर का, तो यहां हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगेगा, 2πr², ये बराबर है 249.48 मीटर स्क्वायर के। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 की जगह 2 ले लेते हैं, पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। रेडियस निकालने के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, तो यहां पे आर स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। इस वैल्यू का मैं डेसिमल हटा लेता हूं, 249 और 48, पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, तो मैं नीचे 20 लगा लूंगा। ये डेसिमल हटाने का रूल होता है, जितना पॉइंट के बाद नंबर हो नीचे आप 1 के साथ में उतने 0 लगा लें। अभी मुझे निकालनी है यहां से आर की वैल्यू, तो आर वाली टर्म को मैं अकेला छोड़ दूंगा। राइट साइड में यहां पे जो चीज जैसे लिखी है एज इट इज कॉपी कर दी जाएगी। अब आर वाले, आर के पास यहां पे 2 और 22 मल्टीप्लाई में ना, तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएंगे, और ये 7 यहां आर के पास डिवाइड में है, तो ये जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये इक्वेशन का रूल होता है। अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 249.48, ये 22 से जब आप पूरा इसे डिवाइड करेंगे तो 22 वन 22, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1134, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 वन 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 567, और नीचे है 100। एक बार मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूं, आर स्क्वायर हो जाएगा 567 × 7, और नीचे है ये 100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 567 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3969, यहां पे है 100 है। अभी यहां आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये मुझे आर निकालना है, तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो आर निकालने के लिए 3969/100, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब ऊपर वाले का मैं स्क्वायर रूट यहां कर देता हूं,
3969 डिवीजन मेथड से करते हैं तो पेयर ऐसे बनता है पीछे से दो दो नंबर का। अभी यहाँ 39 है, इसके नीचे मुझे स्क्वायर नंबर लिखना है तो मेरी बात बनेगी 6 6 36 पे। ऊपर से 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ गया और पूरा पेयर उतरेगा अब ये, तो ये बन गया 369। यहाँ पे 6 में 6 प्लस होगा तो 12 हो जाएगा। अब 12 के पास मुझे यहाँ पर और यहाँ पर कोई सेम नंबर लेना है। अगर मैं 1 लूँगा तो 121 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर 2 लेता हूँ तो 122 हो जाएगा और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। नंबर ऐसा हो जो इसके बराबर आ जाए या इससे कम हो, बड़ा नहीं आ सकता, तो मेरी बात बनेगी 3 पे। जब मैं 123 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू पूरी 369 आ जाएगी। तो 63 तो आ गया है ऊपर ऊपर का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट तो मुझे पता ही है 10 × 10 100 होता है, तो ये हो गया 10। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रेडियस थोड़ी पूछा है क्वेश्चन में, मुझसे पूछी है वॉल्यूम ऑफ एयर, तो रेडियस की जगह मैं डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर लूँगा। अभी निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ एयर। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, और फिगर है हेमिस्फेयर की, तो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 2/3 पाई की जगह 22/7 लिया जाएगा, और रेडियस हमने निकाला है अभी अभी 63/10, 3 बार है तो 3 बार इसका प्रोडक्ट करेंगे इस तरह से। अब सॉल्व करते हैं, 3 और 63 आपस में कट रहा है, 3 × 1 = 3 होता है और ये 3 से कट के 21 होता है, यहाँ 7 21 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7 होता है, 7 × 3 = 21 होता है। ये जो नीचे के 10 है इनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाएंगे। अभी ऊपर ऊपर जो वैल्यू आई है इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 63 × 63 और नीचे है 10 10 10 यानी कि 1000 हो गया इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो अभी ऊपर ऊपर आपको इन सब का प्रोडक्ट करना है, तो जब ये पांच वैल्यूज है जो आपकी, ये पांचों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 523908 और नीचे 1000 है। अब जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 नंबर छोड़कर डेसिमल लग जाएगा, तो 523908 1000 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 1 2 3 नंबर छोड़कर यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यही आपका वॉल्यूम है। ये सारा मीटर में है तो मीटर का क्यूब। इसे मैं राउंड ऑफ भी कर सकता हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है और इसके बाद बहुत छोटी वैल्यू है, तो 523.9 भी मैं इसको लिख सकता हूँ और अप्रॉक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पर मीटर का क्यूब भी है। अप्रॉक्स यानी कि इसके लगभग इसका वॉल्यूम होगा। तो क्वेश्चन खत्म, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।